वेलकम फ्रेंड, मैं हूं विवेक कुमार, क्यू एंड ए क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा खबर लेकर आया हूं कि जो बहुत दिनों से डीओ की एग्ज़ाम के लिए उत्सुक थे कि एडमिट कार्ड कब मिलेगी, इसकी एग्ज़ाम कब होगी, तो ये दोस्तों दिन अब दूर हो गई है। तो अब एडमिट कार्ड का जो लिंक है DRDO ने मेन साइट पर ऑफिशियली ये क्या किया है कि इसे अवेलेबल कर दिया है। तो दोस्तों जो देखिए, मैं ऑफिशियल साइट खोल रखा हूँ, तो यहाँ ऑफिशियल साइट पे क्या है देखिए, लिख रखा है यहाँ, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड दियर एडमिट कार्ड बाय क्लिकिंग ऑन बिलो लिंक, डाउनलोड एडमिट कार्ड Tier 1 फॉर September 09 स्लैश STA-B एडवर्टाइजमेंट नंबर 10। तो दोस्तों ये देख रहे हैं जैसा, तो इसके बाद क्या करना होगा आपको, इस लिंक पे आपको क्या करना है कि देखिए, मैं आप शुरू से बता रहा हूँ कि क्या करना होगा आपको। सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल में जाना होगा। गूगल में आप सेप्टम लिखेंगे, SEPTAM सेप्टम, उसके बाद सर्च करना होगा। ठीक है, सर्च करने के बाद आप देखिए यहाँ पे खुल गया मेरा सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टम DRDO। ये देखिए ऑफिशियल साइट है, https://www.drdo.gov.in। उसके बाद इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा ये साइट खुल गया। उसके बाद फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये क्या पॉपअप आ रहा है, योर डिवाइस इज नॉट अलाउड। तो दोस्तों क्या करना है कि ये डिवाइस जो मोबाइल पर जो स्टूडेंट खोल रहे होंगे, तो ये मोबाइल पर नहीं खुल सकता है। ये मोबाइल पर तभी खुल सकता है जब देखिए, यदि आप जो ब्राउज़र रखे होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर मान लिया कि रखे होंगे, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 एंड एबव अगर ये रहेगा इतना वर्जन का, तो आपके मोबाइल में खुल सकेंगे। और ये भी रहेंगे तो उसके सेटिंग में जाकर क्या करना पड़ेगा, ये जो जो सेटिंग है वो आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यदि मान लिया कि अधिकांशतः बच्चों क्या करते हैं कि क्रोम रखते हैं, गूगल क्रोम, तो उसके लिए देखिए कि गूगल क्रोम का वर्जन यहाँ दे दिया है 30.0 एंड एबव, या तो 30.0 रहेगा या तो इससे ऊपर रहेगा, तो ये साइट आपको एक्सेस कर पाएंगे। और यदि इतना है तो उसके लिए पहले सेटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है कि क्लिकिंग द सेटिंग नेक्स्ट टू एड्रेस बार, एड्रेस बार पर नेक्स्ट एक आएगा एड्रेस। ठीक है, तो वहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है। उसके बाद क्या करना है, शो द एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग को शो पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है कि क्लिक द कंटेंट सेटिंग अंडर प्रिवेसी, फिर ठीक है प्रिवेसी पर करना है। फिर चेक अलाउ ऑल साइट्स इन रन जावास्क्रिप्ट रिकमेंडेड अंडर जावास्क्रिप्ट, ठीक है जावा सेटिंग कर देना है, प्रिवेसी सेटिंग में जाकर फिर क्लिक ओके कर देना है। तो ये तो आपका फिर ये एक्सेस करने लगेगा। तो थैंक यू दोस्त, थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो पसंद लगा होगा तो इसे लाइक शेयर, और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।